प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थी, आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैटर आपको दिया जा रहा है उस मैटर को आप सहर्ष लिखने के साथ साथ याद भी करें, लिखने के साथ साथ समझें भी। आज का जो मैटर है आपका, यह है लकार। प्रिय विद्यार्थियों, जो लकार वाला जो टॉपिक चल रहा है आपका, ये पहला टॉपिक है। लकार क्या चीज़ है, कक्षा सिक्स के लिए तो बड़ा ही एक रोचक और नया शब्द है। प्रिय विद्यार्थियों, लकार कहते हैं, जैसे आपके अंग्रेजी में चलता है टेंस, ऐसे संस्कृत में लकार हैं। इन लकारों को आप समझें। लकार जो शब्द है इसका अर्थ है काल, समय या अवधि। लकार का अर्थ होता है काल, समय या अवधि। जैसे परिभाषा दी है इसकी कि जिन हिंदी वाक्यों से हमें किसी काल, समय या अवधि, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे लकार कहते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से पांच लकार होते हैं, लट, लंग, लृट, लोट, विधिलिंग। लट का अर्थ है हिंदी में वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लंग लकार का अर्थ है भूतकाल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। लट लकार का अर्थ है भविष्यकाल, जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर। लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये दो लकार अन्य लकार हैं। तो आज हम लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। लट लकार के बारे में संस्कृत में ये पांच लकार हैं, पांचों लकारों के बारे में हम बारी बारी से जानते रहेंगे। तो आज हम लट लकार के बारे में जानेंगे। पहला लकार है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। प्रिय विद्यार्थियों, जो लट लकार है इसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार जो है इसको हिंदी में लट लकार कहते हैं, अर्थात जो समय चल रहा है, अर्थात जो समय चल रहा है उसे लट लकार के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, अर्थात जो समय चल रहा है उसे लट लकार के नाम से जाना जाता है। पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, के अंत में ता है, ते हैं, ती है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान है, लट लकार की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, इत्यादि जो शब्द आते हैं ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। तो वहाँ समझ जाएंगे अपन कि यहाँ पर लट लकार है, वर्तमान काल है। जैसे 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 अपन हिंदी में लिखें, वह पढ़
रहा है। तो ये रहा शब्द है, रहा है ये शब्द, इससे हुआ ये वर्तमान काल, वह पढ़ रहा है, यानी फिलहाल जो समय उसका जो चल रहा है वो पढ़ने का समय चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लट लकार है। जैसे और दूसरा वाक्य लिखें, वह है खेलता है, यानी खेल रहा है वो, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य, कौन सा लकार रहेगा, लट लकार, कौन सा लकार रहेगा, लट लकार। उसी प्रकार से लट लकार के जो जो वाक्य वो क्या नाम, जिसे धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं वो कैसे हैं आप देखेंगे इसको। लट लकार के धातु रूप बनाने के प्रत्यय, प्रिय विद्यार्थियों आप समझो कि धातु रूप कब बनता है, जब धातु में प्रत्यय जुड़ता है, जब धातु में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जब वो धातु रूप बनता है, चाहे वो प्रथम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो, धातु में जब प्रत्यय जोड़ता है, तो लट लकार के धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं वो कैसे हैं आप देखें, पुरुष पुरुष एकवचन द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम जो पुरुष है, प्रथम पुरुष का जो धातु रूप बनाने का प्रत्यय है वो कैसा है, अति। द्विवचन में अत है, बहुवचन में अंति। ऐसे ही जो मध्यम पुरुष है, अगर कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन है तो धातु में अति जुड़ेगा, अगर कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो धातु में अति जुड़ेगा, और बहुवचन है तो अंति जुड़ेगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एकवचन है असी, द्विवचन है अथ है, और बहुवचन है अथ अथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष है, उसके धातु रूप बनाने के प्रत्यय हैं, उत्तम पुरुष के हैं आमी, आवह और आम है। ये धातु रूप बनाने के प्रत्यय हैं। जिस प्रकार से अपन इसको धातु को बनाएं, जैसे अपने पास धाव धातु है, धाव धाव यानी दौड़ना, धाव का अर्थ लिखवाया था दौड़ना, इसके रूप बनाए अपन, तो इसमें जैसे यहाँ पर दौड़ दिया अपने धाव धाव वह, तो वह में ए जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये धावती धा धावती। ऐसे इसमें धाव जोड़ा तो क्या बनेगा, धावत है। ऐसे इसमें जोड़ा धाव तो क्या बनेगा, धावंती। ऐसे इसमें धाव जोड़ा तो क्या बनेगा, धा व सी। ऐसे ही इसमें धाव जोड़ा तो क्या बनेगा, धाव थ है। ऐसे इसमें जोड़ा तो धाव थ। ऐसे आपको ये बनाने हैं, ये जो आपको बताया जा रही प्रत्यय ये याद रखने हैं, मैं बताया हूँ आपको कि इस प्रकार से इनको जोड़ना है, और इस प्रकार से जोड़ करके इनको आपको धातु रूप बनाना है। जैसे मैं आगे आपको अभी बता रहा हूँ दूसरी सारणी बना करके, तो आपको याद रखना है ये ऐसे ही जुड़ेंगे ये, और जुड़ करके और ये धातु रूप बनाए जाएंगे। इस प्रकार से आपको इनको ध्यान रखना है, ध्यान रख करके, ये तो धातु रूप बनाने की प्रत्यय हो गई। अब धातु रूप बनाएं तो कैसे बनाएं, तो एक धातु के आपको धातु रूप बनाने का मैं अभी तरीका बता देता हूँ किस तरह से इसको जोड़ेंगे। जैसे अपने पास
लट लकार के धातु रूप बनाने की परिस्थिति, जैसे धाव धातु है, धाव, धाव का मतलब है दौड़ना, धातु रूप। प्रिय विद्यार्थियों आप समझें, यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर एकवचन, यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। जैसे पुरुष के नीचे अपन पुरुष लिखेंगे, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय था वो था अति, क्या था अति, और इसमें धाव जोड़ेंगे अपन, धाव। व के नीचे अलंत है तो ये व के नीचे अलंत और ये ए है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, धा व ति, धाव ति बना। इसी प्रकार से धाव में अतः जोड़ेंगे, अतः है क्या बनेगा, धावतः है, क्या बनेगा, धावतः है। इसी प्रकार से धाव धातु में अंति जोड़ेंगे तो ये बनेगा धावंती। ये प्रथम पुरुष के बने, लट लकार में धाव धातु के जो धातु रूप बनाए गए हैं ये प्रथम पुरुष के बने। ऐसे ही मध्यम पुरुष के बनाने हैं आपको, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो है इसमें अपन बनाएंगे धाव, धाव में जोड़ेंगे असी तो काय बनेगा, धाव सी, धाव में जोड़ेंगे अथ है तो क्या बन गया, धाव थे है, धाव में जोड़ेंगे अथ तो क्या बन गया, धावत। ये बना, ये मध्यम पुरुष का बनगा। अब जैसे उत्तम पुरुष में बनाते हैं अपन, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में बनाएंगे तो उत्तम पुरुष में बनेगा धाव में आमी जोड़ेंगे, आमी क्या जोड़ेंगे, आमी तो क्या बनेगा, धावामी। धाव में आवे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धा वा वह। धाव में आमे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धा वा मह। प्रिय विद्यार्थियों आप समझें, इसी प्रकार से जैसे कोई भी धातु हो, चाहे लिख हो, चाहे धाव हो, चाहे रुद्ध हो, चाहे हंस हो, चाहे क्रीड हो, कुछ भी धातु हो उसके धातु रूप बनाएंगे तो इसी प्रकार से आपको बनाने पड़ेंगे। धाव की जगह जैसे लिख डाल दिया तो लिख में अति जोड़ें तो लिखती, लिखती लिखते लिखंती, लिखसी लिखते लिखत, लिखामी लिखाओ लिखाओ, ऐसे गच, गच जोड़ देंगे तो छः में ऐ जोड़ेगा, गचती गचते गच्छंती, गच्छसी गच्छते गच्छत, गच्छामी गच्छाओ गच्छामी। इसी प्रकार से आपको अन्य जो धातु हैं उनको उनके धातु रूप बनाने हैं और धातु रूप बना करके आपको ये पहचान करनी है कि ये किस लकार के हैं, तो उसी लकार के धातु रूप बनाने के प्रत्यय आपके सामने रहेंगे तो आप धातु रूप बना देंगे। ऐसे ही लिख हैं, ऐसे ही आगे अन्य जो धातुएं हैं उनके रूप बनाएं, अन्य धातुओं के धातु रूप बनाओ, जैसे पिब है, पिब यानी पीना, खाद है, खाद यानी खाना, हंस है, हंसना, इत्यादि धातु रूप आपको बनाने हैं, इनके धातु रूप आपको बनाने हैं और ये आपको लट लकार में इतनी ही पहचान देंगे कि लट लकार की जो पहचान होती है वो ता है, ते है, ती है, वाक्य के अंत में आते ही रहा है, रहे हैं, रही है, और इसके धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं वो अति अतः अंति, असी अथ अथ, आमी आवय आमय। प्रिय विद्यार्थियों लट लकार के बारे में आप जान गए होंगे,
कि लट लकार का मतलब है वर्तमान काल, अर्थात जो समय चल रहा है, जो फिलहाल जो समय चल रहा है उसको कहेंगे लट लकार। लट लकार के धातु रूप बनाने के प्रत्यय आपके सामने लिखे हुए हैं, इन धातुओं में जोड़ करके आप इनको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आज का वीडियो यही रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।